हाय, मैं डॉक्टर स्काई और आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के पेस को कैसे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स जो होती है वो बेसिकली हमारे बॉडी में जो मेलेनोसाइट है वो मेलेनिन बनाती है। ये एक पिगमेंट है जो बालों को कलर देता है। लेकिन बॉडी में जो है मेलेनोजेनिक क्लॉक चलता है एज के हिसाब से। जैसे जैसे बॉडी ओल्डर होती जाती है मेलेनोसाइट्स मेलेनिन बनाना स्लो डाउन करता चला जाता है। तो कुछ सेवरल थिंग इन्वॉल्व होती है जो प्री मैच्योर ग्रेइंग करवाती है। इसमें जो सबसे नंबर वन है वो है थायरोसाइनेस। ये एक बेसिकली एंजाइम है, कॉपर बेस एंजाइम है। इसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है मेलेनिन बनाने में और ये एंजाइम मशरूम में बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसके साथ साथ जैसे कुछ कॉपर कंटेंट फूड आपको इंटेक करने चाहिए, जैसे सी फूड्स, लीवर्स, ऑयस्टर्स। सेकेंड थिंग जो इन्वॉल्व होती है प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए वो है एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रेस आउट होना। ऐसे कंडीशंस में हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेसिव फॉर्म में सिक्रीट करती है और ये ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है। और इसको स्लो डाउन करने के लिए बॉडी में विटामिन ई का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है जो कि हमारे ऑक्सीडेटिव नेचर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ड्रॉप डाउन करवाती है। विटामिन ई का कुछ और भी हेल्थ बेनिफिट है, जैसे ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, मेनोपॉज में हार्ट फ्लसेस जो होते हैं उनको रिड्यूस कराता है, ये स्पाइडर वेन की इंटेंसिटी को भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और प्री मैच्योर रिंकल्स जो होते हैं ये ऐसे कंडीशंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। बेसिकली विटामिन ई जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, बट जैसे ही फीमेल मेनोपॉज के तरफ जाती है उसके ओवरी का फंक्शन जैसे स्लो डाउन होता है, तो ऐसे एज में विटामिन ई बहुत ही सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन होता है फीमेल के अंदर। तो जब भी मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज की सिचुएशन होती है फीमेल के साथ, तब उनके बॉडी में विटामिन ई का लेवल ड्रॉप डाउन होता है। ऐसे कंडीशंस में इस उम्र में फीमेल्स को मेक श्योर करना चाहिए कि वो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, वेट जम ऑयल एंड विटामिन ई कॉम्प्लेक्स का इंटेक करे, बट मेक श्योर कि सिंथेटिक वर्जन का विटामिन ई आपको इंटेक नहीं करने का है। एंड लास्ट वन जो है डिफिशियंसी ऑफ पाबा, बायोटिन, आइनोसिटॉल, ये एक बी कॉम्प्लेक्स है। ये अगर बॉडी में डिफिसिट होता है इसकी वजह से भी बॉडी में प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है। बट ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं होती यहाँ पे आपके गट के जो फ्लोरा है, जो माइक्रोबॉब्स है, वो अगर किसी भी वजह से, अगर आपने कोई एंटीबायोटिक का डोज लिया एंड आपके इंटेस्टाइनल कुछ कंसर्न है, तो आपकी रिसाइकिलिंग बराबर नहीं हो पाती है। इस सिचुएशंस में ये बी कॉम्प्लेक्स डिफिसिट होते हैं। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए, और इनको अगर हम सुधारते हैं तो हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से बच सकते हैं। नंबर वन थायरोसाइनेज, जो कॉपर बेस एंजाइम है, उसे हमें मेक श्योर करना है कि हम प्रॉपर मेवे लें। अगर हम मेनोपॉजल एज में हैं तो हमें विटामिन ई के ऊपर फोकस करना है, और अगर अपने एंटीबायोटिक का डोज लिया है तो हमें बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर ये तीन चीज़ों को हम मेक श्योर करते हैं तो हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से बच सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।